भारत माता की जय, जय आरसीएम। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट इन द डिजिटल स्क्रीन मुकेश सीमा अग्रवाल जी एंड मुकेश अग्रवाल जी विद फैमिली। प्लीज वेलकम 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 सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने बड़े डिजिटल मंच में हमें आज सौभाग्य मिला आपके माध्यम से, टीम चैंपियन के माध्यम से होने का। तो मैं टीम चैंपियन को, आपको और आज जो साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं और जो YouTube में भी कनेक्टेड हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। माइसेल्फ मुकेश अग्रवाल, और मैं अपना परिचय देने से पहले मैं अपने परिवार से आपको मीट करवाना चाहूँ, क्योंकि वो मेरी बैकबॉन्ड है और जिनके कारण से मैं इसमें आगे बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, जब तक परिवार साथ में है तो हम परिवार बना सकते हैं, और परिवार अगर साथ में ना रहा तो हम नेटवर्क भी नहीं बना सकते, परिवार नहीं बना सकते। पहला नेटवर्क का जो निर्माण होता है परिवार से होता है। तो आई थैंक, तो मैं परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है जिनके माध्यम से बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट वन, मैं अपनी डॉटर माही अग्रवाल जी बहुत लीडर के रूप में उभर के आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को समझ रही है और अपना योगदान इस बिजनेस में दे रही है। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरी माही अग्रवाल, प्लीज। मेरा नाम माही अग्रवाल है, नारायणपुर कृष्णा स्ट्रीट से हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज फैमिली मीटिंग है और सभी अपने फैमिली के संग बैठे हुए हैं। और मैं आरसीएम बिजनेस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने आरसीएम बिजनेस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आरसीएम बिजनेस ने हमें एक नई जिंदगी दी और हमारे स्वास्थ्य को बचाया, स्वास्थ्य, पैसा और हमारी रक्षा की। थैंक यू, जय आशियम। तो हमारे बीच नेक्स्ट जनरेशन आप लीडर देख पा रहे हैं माही अग्रवाल जी, और बहुत शानदार जुनूनी है। तो मैं चाहूंगा एक बार माही जी के लिए बहुत शानदार क्लैपिंग हो जाए, और अभी ड्राइंग क्लास भी है क्योंकि संडे का टाइम है। तो मैं एक बार चाहूंगा माइक के लिए हम शानदार क्लैपिंग करें, क्योंकि ड्राइंग क्लास की तैयारी कर लेंगे प्लीज। हमारे बीच जो बैकबॉन्ड है, जिसका सहयोग मुझे मिलता है, जिसके कारण से मैं इसमें आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि इनका सहयोग नहीं होता तो मैं शायद बाहर जो मेरी स्टेशन डेवलपमेंट हो रही है मैं वहां नहीं कर पा रहा और बिजनेस को नहीं कर पाता, और मैं अपनी टीम को संपूर्ण समय नहीं दे पाता, क्योंकि इनके ही जो सहयोग है जिस कारण से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। माय स्वीट हार्ट सीमा अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा मैं आपसे इनको भी इंट्रोड्यूस कराऊं, प्लीज वेलकम। सभी साथियों को जी आरसीएम और जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भास्कर सर का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय टीसी जी का, आरसीएम के रचयिता आदरणीय टीसी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम नारी भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एसटीसी के रचयिता आदरणीय सचिन सर, श्याम सर और विकास अग्रवाल जी का, और आज हमें एसटीसी के मंच पे बोलने का मौका मिला, तो मैं विशेषली उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी साथियों का। तो फ्रेंड्स, ये जो आज बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है और इस बिजनेस को करने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है कि इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में हमें जो चीज मिली है वो आज तक मुझे कहीं भी कोई बिजनेस में नजर नहीं आई, क्योंकि इस बिजनेस में हमें वो मान सम्मान मिला, वो प्यार मिला, पैसा मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, जो कि मुझे आज तक बड़े बड़े बिजनेस में भी नजर नहीं आई। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने हस्बैंड का बिजनेस, विशेषली क्योंकि उन्होंने ऐसे शानदार बिजनेस को खोजा और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ को सिखाया बिजनेस कैसे करना चाहिए, किस तरह से। पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी फ्रेंड्स, किस तरह लोगों से बात करनी मुझे ये भी नहीं आता था, लेकिन जब मेरी सर से शादी हुई तो सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि हमें किस तरह लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह से, मतलब हमें वो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ इस बिजनेस के माध्यम से सीखा है। तो आज मैं जो कुछ भी बोल पा रही हूँ अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि फ्रेंड देखिए हम अक्सर बहाना बना लेते हैं कि नहीं हमें ये नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी डिस्चार्ज होती हूँ तो सर मुझे अक्सर एक बात बोलते हैं, जब सर मुझे बोलते हैं कि मीटिंग में जाना है, ये करना है, तो मैं भी मतलब बहाना बांधती रहती हूँ कि नहीं मेरे छोटे बच्चे हैं, बाबू है, मुझे परेशान करेगा, लेकिन सर मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप तो झांसी वाली रानी हो, झांसी वाली रानी ने तो अपने बच्चे को पीठ पे बांध के अंग्रेजों को भगाया था, तो ये तो बहुत ही छोटा काम है, मतलब ये मतलब छोटा नहीं बोलूंगी, मतलब ये तो हमने आपके लिए बहुत ही आसान काम है, आते हैं बिजनेस आप कर सकते हो। तो जैसे कि हमारी मोबाइल है, हम जब उसे जब हम वो मतलब जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो हम उसे चार्ज पे लगा देते हैं तो वो चार्ज होने लगती है, तो सर भी अक्सर मुझे चार्ज करते रहते हैं तो मैं हमेशा चार्ज रहती हूँ, तो आज जो कुछ भी हूँ मैं सर की वजह से हूँ। तो सर मैं आगे बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में करने का मेरा कारण क्या है और मैंने ये बिजनेस क्यों किया, क्योंकि साथियों मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस को पहले से जानती थी, शादी के पहले से भी इस बिजनेस को जानती थी, आरसीएम बिजनेस को, क्योंकि मेरे मामा जी और मौसा जी इस बिजनेस को
करते थे, लेकिन मैं इस बिजनेस की गहराई को नहीं जान पाई। और जब तक हम किसी चीज की गहराई को नहीं जान पाते हम उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सर से मेरी शादी हुई तो मैंने इस बिजनेस की गहराई को जाना, क्योंकि जब मेरी सर से शादी हुई तो मैंने देखे सर स्टेज पे जाते थे तो उनको बहुत मान सम्मान मिलता था, और वो अक्सर मीटिंग में जाते थे, उनके साथ साथ मुझे भी बहुत मान सम्मान मिलता था। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता था, पैसा भी आ रहा था, घूमने फिरने का मौका भी मिला था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अचानक से एक बार क्या होती है कि सर के पैर में चोट लग जाती है और सर कम से कम 3 से 4 महीना बेड पे रहते हैं। तो उस समय मेरे मन में थोड़ी सी मतलब क्या बोले वो दुख का भाव आता है कि अब हमारा बिजनेस, जैसे सर अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी कि मैं जिस फैमिली से थी, मेरे पापा बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और बहुत ही अच्छे मतलब क्या बोलूं, मैं एक रॉयल फैमिली से थी, क्योंकि हमारे किराने का दुकान था, होलसेल का दुकान था और पापा अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन अचानक होता क्या है कि पापा की तबीयत खराब होती है तो हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो जाता है, जीरो मनी क्या कहूँ कि बहुत ही डाउन हो जाता है। और जैसे कि हम 4 बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई बहुत छोटा था, तो हमारे यहाँ हम जहाँ पे रहते थे हम मनी क्या कहते बेटियों को मतलब जैसे हम दुकान चल जाए या दुकान को संभाल ले, ऐसे हमारे वहाँ की इजाजत नहीं दी जाती थी। कि हमारे बड़े जो कहते थे कि नहीं लड़कियों को हमेशा घर में रहना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मेरे सर से शादी हुई तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नारी भी कुछ कर सकती है और हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं। तो जब सर बेड पे थे तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि पता नहीं पापा का इतना चलता अच्छा बिजनेस, इतनी अच्छी कमाई, अगर जीरो हो सकती है तो अब हमारा क्या होगा। मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आरसीएम हमारे साथ था। तो एक महीना हमारी इनकम आई तो मैंने मुझे लगा कि नहीं ये शायद इनकम सर की पहले की कुछ काम की होंगी वो इनकम आई। लेकिन दूसरे महीना भी हमारे और बढ़ के इनकम आई, तीसरे महीना और बढ़ के इनकम आई, चौथे महीना उससे भी ज्यादा बढ़ के इनकम आई। तो मुझे सर पे कुछ डाउट हुआ, मुझे लगा कि सर शायद पता नहीं कोई दो नंबरी काम कर रहे या क्या कर रहे, पता नहीं पापा ने मुझे कैसा दिया, क्योंकि हमारा इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी अगर हमारा बिजनेस डाउन हो सकता है तो सर क्या काम कर रहे, सर की हमेशा इनकम आ रही है। तो मुझे इस तरह जब महसूस होने लगा तो मैंने एक दिन सर से खुल के बात की और मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो 4 महीना से बेड पे पड़े हो फिर हमारे घर इनकम क्यों आ रही है। तो फिर सर ने बैठा और मुझे बताया सारी गहराई आश्रम की कि देखो ये बिजनेस कैसा है, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरी टीम गया में मेरी टीम काम कर रही, टाटा में मेरी टीम काम कर रही, वेस्ट बंगाल में मेरी टीम काम कर रही, हर जगह मेरी टीम काम कर रही और उसकी इनकम मुझे मिल रही है। तो मैंने सबसे एक सवाल किया कि ठीक है ये जो टीम काम कर रही है तो आप जब बेड पे पड़ गए तो भी पैसा आ रहा, मान लीजिए कल अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर फिर भी पैसा आएगा। तो सर ने मुझे कहा कि हाँ उसके बाद भी हमारे घर पैसा आएगा क्योंकि ये हमारे साथ भी है, ये बिजनेस और समय के बाद भी है। तो मुझे लगा कि शायद आज हम नहीं है लेकिन कल अगर हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चों को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, वाकई में ये बिजनेस बहुत ही शानदार है और हमें इसे करना चाहिए। तो फिर के बाद मैंने ये ठाना कि नहीं मैं सर के साथ इस बिजनेस को करूंगी और मैंने सर का साथ दिया और मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। और मुझे वाकई में जब मैं मीटिंग में जाती हूँ और जिस तरह का मान सम्मान हमें मिलता है तो वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है। पैसा तो हम कहीं से भी सर कमा लेते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह का मान सम्मान प्यार में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिल पाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस बिजनेस का कि हमें ये बिजनेस मिला है। और मैं बहुत सारी बातें भी बोलना चाहूंगी सर, देखिए जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं अपने मन को आगे रखते हैं और अपनी भावनाओं को आगे रखते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है और हम मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या बोले अपने आप के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन उस समय हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम निकलते हैं मतलब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारी चुनौतियां भी आती है, लेकिन हमें उस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सही डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी घटता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उस समय हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। कि कुछ दिनों पहले की बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों की, हमारे यहाँ जामपरा क्षेत्र में दिनेश चौधरी सर आदरणीय दिनेश चौधरी सर की मीटिंग थी, तो उस समय हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी, क्योंकि उस समय जिस दिन सर की मीटिंग थी दिनेश सर की उस दिन ही हमारी मम्मी की डेथ हो गई। तो मुझे ये सब कुछ मालूम होते हुए भी मैंने अपने आप को बहुत मजबूती के साथ अपने दिल को बताया, मुझे सब पता था लेकिन मैंने सर को ये बात नहीं बताई, क्योंकि ये जो मीटिंग की जिम्मेदारी थी पूरी सर की थी। सर को लाना आसनसोल से फिर जामतरा क्षेत्र में सर को पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारी सर की थी। मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैंने ये निर्णय किया कि नहीं मैं सर को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज अगर मैंने सर को मानी बताना तो जरूरी था लेकिन मैं इस समय बताऊंगी जब ये बताना चाहिए। क्योंकि मैंने सर को कहा कि मैंने यही बताया कि मम्मी की ऐसा हो गया, मैंने सर को बताया कि देखिए मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपने जो जिम्मेदारी ली है आप उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, उसके बाद हम मम्मी को देखने चलेंगे। फिर सर आसनसोल से सर को लेके आए, मीटिंग हॉल में सर तक को पहुंचाए और सारी जिम्मेदारी में धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम का कि हम उन्हें जो भी जिम्मेदारी देते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। तो सर दिनेश चौधरी सर को जामतरा में छोड़े और अपनी पूरी टीम को जिम्मेदारी दे के आए, उसके बाद हम गए। तो अगर मैं चाहती तो सर को बताती तो मुझे लगता कि नहीं सर मतलब अगर सर डिस्टर्ब होते तो मेरी पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती और वहां पे जो 1000 लोगों की भीड़ होती कहीं ना कहीं मुझे लगता कि उन जो 1000 लोगों का सपना था जो हमारे कारण 1000 लोग वहां पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ मतलब वो चीज नहीं मिल पाता जो सपने को हम उनके जगाने के लिए उन्हें लेके आए हैं।
तो कभी कभी साथियों फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भी बहुत बड़ी चुनौती भी आ जाती है, लेकिन उस समय हमें सही डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो मैंने ये सब चीजें अपने अपने आईडी से सीखा है, इस मीटिंग के जरिए सीखा है। जब हम वीडियो सुनते हैं और बहुत कुछ मीटिंग में आते हैं तो हमें बहुत सारी अपने अपनाइन के जरिए ये मालूम चलता है कि हमें किस तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सचिन सर हमेशा जब मीटिंग में आते हैं तो बताते हैं कि हमारे बीच कोई भी चुनौती आ सकती है। तो जब मैं सर की मीटिंग सुनती हूँ तो मुझे लगा कि शायद आज ये चुनौती मेरी कामयाबी के लिए है और हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अभी कामयाबी को पाना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये मेरी कामयाबी का शुरुआत है कि आज मुझे भगवान ने चुना है कि मुझे क्या चुनना है। हमें हजार लोगों की कामयाबी चुनना है, ये छोटा सा डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी का डिसीजन था। तो मैंने अपने आप को बहुत समझाया, मैंने सोचा जो हो चुका, लेकिन मुझे अपने आप को समझाते हुए मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बिजनेस है यहाँ हमें चुनौतियों से लड़ने का भी सामना करना सिखाता है कि हमें अपने आप को किस तरह हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं। तो इस बिजनेस के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखना मिला, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से इस बिजनेस का। और मैं अपनी बात को अब यहीं विराम दूंगी क्योंकि सर हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ जो कुछ भी बोल पा रही हूँ सर के माध्यम से बोल पा रही हूँ, अपनी अपनी लाइन के माध्यम से बोल पा रही हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि फ्रेंड देखिए आज हमारे पास जो चीजें हम उसे सीख पाते हैं, क्योंकि देखिए आज अगर हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल चलाना सीख पाते हैं, हमारे पास स्कूटी है तो हम स्कूटी चलाना सीख पाते हैं, हमारे पास अगर गाड़ी है तो हम गाड़ी चलाना सीख पाते हैं, अगर हमारे पास एरोप्लेन होती तो हम वो भी चलाना सीख पाते हैं अगर हमारे पास वैसी व्यवस्था होती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ये अमीर बनने का प्लेटफॉर्म है, अगर हम चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं हम वो सीख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम अमीर बनने का सिस्टम है तो हम वो भी कर सकते हैं। और आज हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, यूट्यूब चैनल है, मैं हमेशा अक्सर सचिन सर के यूट्यूब चैनल देखती हूँ, वहाँ पे सर हमेशा वीडियो डालते रहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग कैसे करानी है, लोगों से कैसे बात करना है और किस किस तरह मतलब अलग अलग डालते रहते हैं। तो आज हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को अमीर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को जी सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का देना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे सुना और जिसके माध्यम से मैं सीखी हूँ। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी आप सभी की डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ मुकेश अग्रवाल। थैंक यू सो मच मैम सीमा जी, थैंक यू सो मच। साथियों ये बहुत ही शानदार सीमा जी का स्पीच रहा, हम दिल से उनका शुक्रिया करते हैं और आप भी थैंक यू बोल करके चैट बॉक्स में उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं कि आप सभी हम सभी को उन्होंने मोटिवेट किया। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। यस मुकेश जी प्लीज। थैंक यू सर, और आप सभी जान पाए होंगे मेरे एनर्जी का राज क्या है। जब ऐसा परिवार साथ हो तो कामयाबी निश्चित है। ऐसे ऐसे पल हमारे बीच गुजरे लेकिन फैमिली का जो सपोर्ट और जो सहयोग मुझे मिला मैं परमात्मा को शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा जो आज जो गुण मेरे परिवार में आया है ये इसी कारण से आया, सचिन टीम चैंपियन के कारण से आया है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है अगर सचिन सर नहीं मिलते तो शायद इस बिजनेस को हम नहीं कर पाते, या इस बिजनेस में इतने एक्टिव नहीं होते, या तो आगे नहीं बढ़ पाते। सचिन सर, श्याम सर का जो मार्गदर्शन है, एसटीसी का जो मार्गदर्शन है, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है और वैसे कि मैं रूपनाथ वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं कपड़े का रिटेल होलसेल का काम किया करता था और मेरा ऐसा मानना है, शायद आप सभी भी मानते होंगे, कि मानव जीवन जैसे परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है, तो मुझे भी ये बिजनेस परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है। आप उस परमात्मा को अल्लाह खुदा, वाहेगुरु, ईश्वर खुदा जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि नमक तेल मसाला खा के जिंदगी बदल सकती है और खिला के बदल सकती है, तो ये परमात्मा के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। कि पूरी दुनिया में ये बिजनेस इतना आसान है और पूरी दुनिया इस बिजनेस को समझने के लिए परेशान है और समझने के बाद भी समझ नहीं पाती है, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बता दूं, माई वाइफ कास्ट मरवाड़ी हूँ और मरवाड़ी को एक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता होती है, उसको लगना चाहिए ये बिजनेस में दम है और वो आगे बढ़ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जो फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो साधारण परिवार है। मेरे फादर एम्प्लॉय थे, ऑफिशियल जॉब क्या करते थे। मैं बचपन से ही मेरा जो विजन है थोड़ा अलग टाइप का था। मेरे मामा जी को मैं देखता था बिजनेसमैन और मेरे फादर को जॉब करते हुए, तो मेरे पास दो ऑप्शन हर समय सामने आई थी, मेरे फादर की जिंदगी, मेरे मामा जी की जिंदगी। मेरे मामा जी एक दुकान से दो दुकान, चार दुकान कॉम्प्लेक्स बना लिए। मेरे फादर सैलरी मिलती थी, गर्म हो जाते थे, फिर 7 दिन में मध्यम, 21 दिन में नरम और लास्ट में ऐसी स्थिति आती थी हर काम हम लोग अगले में टाल देते। तो मेरा माइंडसेट बचपन से बिजनेस का था। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, ग्रेजुएटेड है, आईटीआई किए हुए हैं, थोड़ी सी नीट का भी एजुकेशन मैंने लिया हुआ है, लेकिन बहुत शर्तें भी मैं इसलिए एजुकेशन नहीं लिया कि मुझे नौकरी करनी है। और मैं आपको सर को बता दूँ, मेरी टीम भी जानती है और मेरे अप्लाइंस भी जानते हैं, मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की टीचर की नौकरी भी मिली थी। जब नौकरी मिली थी तब मैं इस पार्टी के मुकाम पे था। मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं नौकरी को चुनूं या तो आरसीएम को चुनूं। अगर मैं उस दिन नौकरी को चुनता, माय डियर फ्रेंड्स, तो शायद आज हम कहीं पढ़ाते रहते और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मैंने उस समय आरसीएम को चुना। क्यों चुना मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था।
जब मैं रॉयल्टी पे था और परमात्मा जैसे मैडम बोल रही थी ना वो हमारा एग्जाम लेते, क्योंकि अगर उस समय मैं नौकरी को छोड़ लेता रॉयल्टी आने के बाद तो मेरी टीम के सपने टूट जाते, वो बिखर जाते, उनको लगता है यार आरसीएम से बड़ा नौकरी होता है। तो मैंने उस समय डिसीजन लिया और उस समय नौकरी को मतलब वो ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ा और मेरे घर वाले नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। लेकिन नाराज होने का जब मेरी रॉयल्टी की इनकम 26,000 समथिंग कुछ आई थी और एक साल के अंदर फिर टेक्निकल आए और इनकम 58,000 की आई, तो मेरे घर वाले को पूछा आप बताओ पापा जी, आप बताओ मम्मी जी, हम अगर नौकरी करते 17,000-20,000 की सैलरी आती क्या हम एक साल में 44 कर पाते क्या, 50 कर पाते क्या, 30 कर पाते? मेरे मम्मी पापा बोले नहीं। तो बोले पापा जी आप बताओ मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना सही था। मेरे पापा जी मेरे को बोले नहीं यही प्लेटफॉर्म सही है और मुझे विश्वास है बेटा आप पे, गर्व है आप पे कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है और मुझे जिंदगी का तजुर्बा है। मेरे फादर मुझे उसके लिए एक बात बोलते, मुझे जिंदगी का तजुर्बा है कि बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं होता, नौकरी में पूरी जिंदगी करके देख चुका हूँ मैं। नौकरी में खाली थकान ही मिली है, कुछ नहीं मिला है, थकान मिली है कुछ नहीं मिला है, जिंदगी में कुछ अचीवमेंट नहीं मिला है, लेकिन ये बिजनेस बहुत यूनिक है और हम मरवाड़ी है तो हमें बिजनेस ही करना चाहिए। तो मैं उस दिन की जो बात थी मेरे फादर्स की मुझे याद आ गई, तो मैं एक बार फादर की मैं बात आके सामने रखा। विरोध के बाद भी मेरे फादर्स मेरे कंधे पे हाथ रखे, मुझे आशीर्वाद दिए और आज उसका परिणाम है मैं आपके सामने मौजूद। तो मेरी बिजनेस मेरी जो सफर लाइफ की स्टार्ट हुई थी बचपन से, मैं बचपन में जब आम तोड़ा करता था तो आम के पेड़ से आम तोड़ के लाते थे, मेरे फ्रेंड्स भी लेके आते थे, वो घर पे देते थे, लेकिन मैं आम को घर पे नहीं देता था, मैं उस समय आम को बाजार में जाके बेच देता था और बेच के पैसे जो मिलते थे मैं अपनी जरूरत को पूरा करता था और भी जो चीज़ होते घर में भी थोड़े पैसे दे देते थे। लेकिन ऐसे बड़े होते 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 जब मेरा उम्र 16 साल का, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 की पूंजी मिली और वो 10,000 की पूंजी को हम 5 साल में 10 लाख का कन्वर्ट कर दिए। छोटी सी दुकान थी हमारी, हमें देख के समझते थे यार मरवाड़ी छोटा दुकान खोल के बैठा है, तो हमारे एरिया की सबसे बड़ी कपड़े की दुकान बन गई। हम लोग छोटे से होलसेल मार्केट से स्टार्ट किए, फिर हमने सबनम डॉली साइप्रस और एस्ट्रोकट जैसे मार्केट को कैप्चर किया और आगे बढ़े। लेकिन वहाँ संघर्ष जिंदगी में समझ में आई बिजनेस में मुझे कि जिस उम्र से मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था मुझे जिस समझ में आ गया 28 साल उम्र आते आते कि मैं पूरा फंस चुका हूँ, मेरी जिंदगी उजाड़ हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, जिस चीज मुझे पाना चाहिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में कुछ सपने होते हैं, घूमना है, फिरना है, मजा है, मौज मस्ती सब कुछ करना है। अगर जिंदगी को यही बर्बाद कर दे खाली पैसे कमाने के चक्कर में, जिंदगी को गवा दे तो फिर लाइफ में क्या। तो उस दिन मुझे याद आया मामा की बात कि मामा जी किए जिंदगी में सब कुछ लेकिन वहीं वहीं बैठे उसी गंजी में, उसी बनियान में और उसी धोती में, उसी पैंट शर्ट में एक ही जगह मैं बैठ बैठ के अपनी जिंदगी को गुजार दिए कि अपने परिवार को सुख शांति देने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं फेड अप हुआ और मैं परमात्मा से दुआ करने लगा मुझे ऐसा कोई तो सिस्टम दो जहां पर मैं अपनी जिंदगी को जी सकता हूं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी एक बार मिलती है दोबारा नहीं मिलती है। कोई भी साथी को लगता है जिंदगी दोबारा मिल जाएगी पैसा भी कमा लो तो मैं उनका एड्रेस पता पूछना चाहता हूं, अगले जिंदगी में मैं आके उनसे मिलूंगा, भाई आप बताओ। माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी एक बार मिलती है। तो फिर मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई और ऐसे रूप में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बिजनेस को मैं जानता भी नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये भी जानता नहीं था, ऐसा कोई बिजनेस होता है ये भी नहीं जानता था। मेरे द्वार पे शाम 5 बजे का वक्त है, मुझे अभी ये याद है, मिस्टर पवन जी केडिया, मैं बस शानदार क्लैपिंग चाहूंगा मेरे अपलाइन के लिए। मिस्टर पवन जी केडिया हमारे घर पे आए और रिलेशन में मेरे भैया लगते हैं, बुआजी के लड़के लगते हैं, हमारे घर पे आए और बोले एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, आज से बिजनेस है। वो सारा प्लान बताया, कुछ समझ में नहीं आया, बस रिश्तेदारी के आधार पर ज्वाइनिंग किए, लगातार मेरे अपलाइन 6 महीने फॉलोअप किए, मैंने नखरा दिखाया, बहाना दिखाया, झूठ बोला, मैं आज आपके मंच पे मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब आपको जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है और कोई बोलता उसको कर लो तो सबसे पहला चीज होता है बहाना दिखाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगर कोई हमें इस बिजनेस में बहाना दिखाते हैं वो अभी तक इस बिजनेस को समझा नहीं है, जिस दिन समझ जाएगा उसको रोकना मुश्किल है, मैं बता दूं रोकना मुश्किल है। तो मेरे अपलाइन को पता चल गया था इसको समझ में नहीं आया इसलिए बहाना बोल देता है, झूठ बोल रहा है। तो 6 महीने के बाद लगातार फॉलोअप के बाद अचानक से हमारे घर पे मिस्टर पवन जी केडिया जी आए, वो आना तो 6 महीने से रेगुलर चाहते थे लेकिन कोई ना कोई बहाने के कारण से मैं उनको टाल देता था कि मुझे मालूम है फिर आएंगे तो आरसीएम बताएंगे और मुझे फिर ये हेरिटेट करेंगे और मैं इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहता हूँ, रिश्तेदार के आधार में ज्वाइनिंग कर लिया हूँ। लेकिन वो भी जिद्दी थे, कमिटेड थे और उनमें उनको मेरे अंदर शायद कुछ दिख रहा था। 6 महीने के बाद मेरे घर पे आए और एक सीडी कैसेट दिखाए थे, मैं आपको बताऊं वो सीडी कैसेट रायपुर का था, सक्सेस सेलिब्रेशन का था, जो सतीश पंडित जी रायपुर के सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आए हुए थे। वो सीडी कैसेट में पहले डांस वोंस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, हम तो मैंने यार ये तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, लेकिन जब सतीश पंडित जी आए अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड और सब कुछ बताने के बाद, जब वो स्टार्टअप किए थे, मेरा पूरा परिवार अमेरिका में सेटल्ड है, मेरे मैडम गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे बैलेंस के ऊपर जर्नलिस्ट हूँ, तब मुझे ये लगा इतना बड़ा व्यक्ति इतना बड़ा इंसान अगर इस बिजनेस को कर रहा तो कुछ तो बात है, कोई तो कोई ना कोई बात है। तो मैं पूरी उनकी बातों को गहराई से सुना और अंतिम जब हुआ तो मेरे आपलाइन मिस्टर पवन जी केडिया को बोला सर मुझे इनसे मिलना है, मैं आज से डिसाइड करता मुझे आज इनको करना है। तो मेरे आपलाइन बोले दुनिया में नहीं रहे पूरे 1,71,000 कमाने वाले व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, तो अब इसकी इनकम जीरो गई होगी। तो बोले नहीं इनकम जीरो नहीं हुई, अभी इनके घर पे इनके मैडम के अकाउंट में 3 लाख आता है। हम बोले ये कैसे आता है, इंसान जिंदा है तो कमाता है मुझे मालूम है, लेकिन इंसान अगर मर जाए वो पैसा कमा सकता है क्या? बोले हाँ कमा सकता है,
बोले अभी तक तो हुआ नहीं, आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं मर जाऊं मेरे परिवार वाले इसमें से पैसा कमा सकते या नहीं कमा सकते उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे मालूम है जितना पैसा मैं कमा पा रहा हूं आज नहीं कमा पाएंगे वो। बोल नहीं, इस बिजनेस में हो सकता है। तो उस दिन मेरे अपलाइंस मेरे पूरे डाउट्स को क्लियर किए और हम लोग रात 3 बजे तक ऑन बेंच बैठ के पूरा सिस्टम को समझे। और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से मैं उनको बोला आप टेंशन मत लो, आप चले जाओ, अब मैं संभाल लूंगा। मेरे अपलाइन बोले नहीं नहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है। मैं बिजनेस मैन हूँ, मरवाड़ी हूँ, मुझे कौन बिजनेस सीखने की आवश्यकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अपलाइन जब गए मैं हमारी आरसीएम की प्रोडक्ट्स को लेके, हर फ्रेंड से दरवाजे पे आया, मैं बताया यार बहुत शानदार बिजनेस है, सामान खाओगे पैसा कमाओगे, ज्वाइनिंग कर लो। तो बहुत सी प्रतिक्रिया आई, अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया आई। और कोई बोला बेकूफ है क्या, फंसाने आया क्या, मूर्ख है क्या, मरवाड़ी है, डूब जाएगा, पापा का नाम खराब होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे मुझे कमिटमेंट मिले, कमेंट्स मिले। और इस कमेंट्समेंट से मैं इतना नेगेटिव हुआ। शाम को जब मेरे अपलाइन की फोन आई तो मैं उनको एक ही बात बोला था, भैया सर सब बात करो आरसीएम की मत करो। बोले क्या बात है? बोले बात यूं है कि जितनी भी इज्जत थी सब खत्म हो गई, जितनी भी इज्जत है वो खत्म हो गई। मेरे आपने मुझे समझाया, देखो ये बिजनेस अलग किस्म का है, ये इतिहास रचने का बिजनेस है, यहाँ इज्जत का मैटर नहीं। एक आज आपकी जो इज्जत जा रही है, एक दिन इतना इज्जत बन जाएगा वही आदमी आपसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात में दम थी। उन्होंने फिर आया, मुझे उसको समझाया, प्लान दिखाया, समझाया, सिखाया और इस तरह से करना है। मैं उनको लेकर एक्टिविटी किया और जब ज्वाइनिंग आई, टीम बढ़ा, तो समझ में आया बिजनेस सीखने का है। तो मेरी मैडम जो बात कह के गई है, सीखने का है, संघर्ष का है, तो डेफिनेटली ये सीखने का संघर्ष का है। आइए मैं इस बिजनेस के बारे में आपसे थोड़ी स्क्रीन के माध्यम से चर्चा कर लूं आपसे, क्योंकि एसटीसी के मंच पे है और समय हमारे पास लिमिटेड होता है। फिर भी मेरे पास जो इस बिजनेस में सीखा और मेरे अपलाइंस जो मुझे सिखाए, मेरे अपलाइंस के सीरीज में मिस्टर पवन जी खेड़िया जी है, मिस्टर देवदत्त शुक्ला सर है, मेरे मेंटर लखन लाल यादव जी है, विकास अग्रवाल जी है, श्याम अग्रवाल जी है, सचिन अग्रवाल जी है। मैं बहुत शानदार टीम से बिलोंग करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं इस जिंदगी के बाद अगली जिंदगी मिले और 8 से 10 में 100% आऊंगा और मुझे विश्वास है कि इसी टीम के नीचे मैं आऊंगा, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार एसटीसी के अलावा कहीं पर भी नहीं है। आरसीएम बिजनेस तो महान है, लेकिन एसटीसी सर्वोत्तम है। आपकी जीवन महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, आप अपने सपने को पूरा कैसे करें, ये सब कुछ हमारे और आपके हाथ में है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आगे की चर्चा करता हूँ। मिशन 2023 में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, काम कर रही है। वेलकम आप सभी का है। वाई आज से मैंने बहरे हाथ से मैंने क्यों ज्वाइनिंग किया, मैं ये बताना चाहता हूँ। पहला 3 कारण है मेरी जिंदगी का जो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। पहला, मेरे सपने। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं कपड़े काम करता था तो मेरे सपने मर चुके थे, लेकिन मेरे सपने को दिखाया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपलाइंस का। हर साल महंगाई बढ़ रही है, घट रही नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। जब मैं पहला स्कूटर खरीदा था तो 23 रुपया पेट्रोल थी और आज 106 रुपया बंगाल के पेट्रोल की कीमत है। यार ये पेट्रोल की कीमत 106 हुआ है, कभी भी 23 में नहीं आएगी, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। नो सिक्योरिटी इन माई लाइफ, मेरे बाद मेरे कार को कोई भी करने वाला नहीं रहेगा और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा नहीं रहेगी। इन 3 कारणों से मैं बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए मेरे सपने क्या थे, अपडेट घर होना चाहिए, अपडेट कार होनी चाहिए, अपडेट चिल्ड्रन एजुकेशन होना चाहिए, बिग बैंक बैलेंस होना चाहिए, टूर एंड ट्रेवल्स, ज्वेलरी एंड चैरिटी, इस तरह से बहुत सारे सपने थे, लेकिन मेरी इनकम छोटी सी थी, सपने से छोटी सी थी। इतनी छोटी इनकम, मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूं? या तो मैं अपने सपने को काट के एडजस्ट कर लूं, जो घर है उसको पेंटेंट कराऊं, जो मेरे पास जो व्हीकल्स है उसी को बनवा लूं, घूमने फिरने का क्या करूं। और मैं एक बात तो जरूर बोल सकता हूं, अगर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के पास कर गया, अगर कुछ कर लिया जिंदगी में, तो मेरे बच्चे भी थोड़े अच्छे स्कूल में डाल के वो भी अच्छा कर सकते हैं। मैं भी ऐसे बोल सकता था, ऐसे काट सकता था, घूमने फिरने के नाम पे मैं बाहर कभी परिवार को नहीं घुमाता। निश्चित रूप से ससुराल तो जरूर चला जाता, क्योंकि जाने आने का जो खर्चा लगता है, लेकिन वहाँ रॉयल जो ट्रीटमेंट मिलता है, मिठाई के डब्बे मिलते हैं, कैश मिलता है, मैडम को 2000 साड़ी का मिलेगा, मेरे को 500 रुपया हाथ में मिलेगा, बच्चे को मिलेगा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट में बिग रिटर्न मिल जाता है मुझे और मेरे परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। घूमने फिरने का बड़ा मजा मिल जाता है, क्योंकि एक बार घूमने जाने से 20-25 हजार रुपया खर्चे हो जाते हैं और ससुराल जाएंगे तो 500-700 रुपया, 1000 रुपये में काम निपट जाता है। तो ऐसे घूम सकते थे, सपने को काट सकते थे, ज्वेलरी के नाम पे मैं अपने मैडम्स को सिटी गोल्ड दे सकता था, चैरिटी के नाम से कुछ भी, अरे यार 2-5-10 रुपये भी दे सकता था, इस तरह से सपने काट सकता था। मेरे आपने बताए, अगर सपने जिंदा है, अगर उसको पूरा करना चाहते हो तो इनकम को बढ़ा लो, इनकम को बढ़ा लो तो सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। मतलब मैं जिस काम कर रहा हूँ उससे इनकम बढ़ाना असंभव है, तो मेरे आपने बोले बिजनेस ही तो इनकम बढ़ाने का है, इस सिस्टम में इनकम बढ़ाने का है, कैसे बढ़ाना है बोले मैं बाद में बताता हूँ। मैं भी आपको इस चीज को मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरी जो चीज थी, आप देख रहे होंगे, सॉरी मुझे आप सब सुझाव दीजिए, मुझे कौन सी जिंदगी जीनी चाहिए, एडजस्टमेंट वाली या सपने पूरे करने वाली? आप मुझे जवाब दीजिए, ए यानी कि एडजस्टमेंट, बी यानी कि सपने पूरे करने का। आप कमेंट्स में डालिए कौन सी जिंदगी मुझे जीनी चाहिए, ए वाली जो समझौते वाली है, बी वाली जो सपने पूरे करने वाली है। अगर आप कमेंट्स करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी को लव यू कहता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपका कमेंट्स जो है वो बी पे आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो वर्तमान 95% इंसान जीते हैं जो एडजस्टमेंट करते हैं, या जो 5% इंसान जीते हैं, ये जिंदगी 5% वाली जिंदगी में मैं जीना चाहता हूँ।
मैं आपको बताऊं, मैं मेरा पहला घर ये देखिए आप डेट के साथ में लिखा हुआ जो स्टार्ट करने वाला हूं, मेरा ये दूसरा घर है जो डेट के साथ लिखा हुआ मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये मेरे ड्रीम्स है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये ड्रीम्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये ड्रीम्स कहीं ना कहीं किसी के जो सपने जो छुपे हुए सोए हुए हैं वो जाग जाए और वो इस मिनट में इतना भागे इतने भागे कि उनके सपने पूरे हो। उनके सपने नहीं होते, उनके परिवार के भी सपने होते, सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट कार है, मेरे पास अभी क्विड सी कार है, मैं नेक्स्ट कार ये सीएनजी लेने वाला हूं। आप बोलेंगे सर सीएनजी कार क्यों? देखो सर, कार में चलना है, कार को बैटरी से जाकर रखना नहीं है, मुझे दौड़ाना है, भागना है, जिनको ऐसा करना है, मजा करना है, तो मुझे भी चाहिए माइलेज, तो इसलिए सीएनजी कार है। मेरे नेक्स्ट कार है 31/12/2028 की टाटा सफारी एक्स जेड ए प्लस गोल्ड 6, इसकी ऑन रोड प्राइस 27 लाख के आसपास की। उसके बाद और भी कारें होंगी, ऐसे नहीं दो कार से मेरी जिंदगी संतुष्ट होने वाली है। मैं माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे पास कार है उसके कई जगह स्क्रैच लगे हुए, मेरे फ्रेंड्स बोलते देखो मेरी चमचमाती कार है तुम्हारा स्क्रैच लगा हुआ है, तो मैं बोलता हूं सर आपकी पहली कार है, मेरी पहली कार नहीं है, ये आपकी आखिरी कार है, मेरी पहली कार है, आखिरी कार नहीं, मेरे पास तो कई कार आने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है इससे कई सारी कार आने की संभावना, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे अपलाइंस को, मैं देख रहा हूँ सिस्टम के सक्सेसफुल इंसान को जिनके पास 5-5, 10-10 गाड़ियां हैं, तो कैसे मैं संतुष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी ड्रीम है गाड़ी खरीदने का, मेरा भी ड्रीम है कार चलाने का, लॉन्ग ड्राइव करने का, मैं अपने सपने को कैसे मार सकता हूँ, मैं तो और भी सपने पूरा करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस देखो सर, मरवाड़ी को पैसे से प्यार होता है और मुझे भी बहुत पैसे से प्यार है, तो मैं अपना बैंक बैलेंस स्टेट तक इतना कर लूंगा, मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, मेरी टीम काम कर रही है, अपलाइन की जितना सपोर्ट मिल रहा है ये इससे पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे होते पैसे को क्या करोगे। अगर आपको पैसे से प्यार नहीं तो मैं आपको मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, मेरे अकाउंट डल रहा, मुझे पैसे की भूख है, बहुत ज्यादा भूख है, मुझे पैसा चाहिए, पैसे के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आई वांट मनी। और सही तरीके से पैसा आना चाहिए जो इस बिजनेस में आता है, गलत तरीके का नहीं, गलत तरीके का मेरे पास कई ऑप्शन है, मैं कमा सकता हूं, लेकिन मुझे सही तरीके का पैसा चाहिए, ईमानदारी का पैसा चाहिए, टैक्स पे का पैसा चाहिए, और 31/12/2035 तक 5 करोड़ का अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। अब देखो ये हरे हरे ये गुलाबी गुलाबी नोट मन कर रहा है ना हमारे अकाउंट में आए, तो एक बार क्लैपिंग करो। स्विट्जरलैंड ट्रिप हिंदुस्तान के कई कोने घूम चुका हूँ मैं, स्विट्जरलैंड की ट्रिप, अभी मेरा बेटा छोटा है, उस थोड़ा बड़ा होने के बाद हम लोग इस ट्रिप को करेंगे। और आइए मैं बात करता हूँ, हर साल महंगाई बढ़ रही है, 1920 में देखेंगे एक परिवार एक रुपए में, 1940 में 10, 50, 100, 2000 के समय 10,000, 2020 में 1 लाख की आवश्यकता है। बोलते सर 10-50 हज़ार में परिवार नहीं चल सकता है, 10,000 में चल सकता है, चल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स देखो कैसे चल रहा है परिवार, आज से 20 साल पहले झोलावर के सब्जी लाते थे, आज प्लास्टिक में आता है, सब्जी वाले को भी मालूम है, वो आज क्या बोलता है मालूम है, जो नई नई भिंडी आई थी वो बोला 25 रुपया में 200 ग्राम, यानी कि वो नहीं बोला 125 रुपया में 1 किलो की, तो मालूम 125 रुपया में 1 किलो बोल देंगे तो बंदा लेगा नहीं, 25 रुपये में 200 ग्राम बोलता जरूर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसी दुनिया बदल चुकी है, आगे किलो में बिकता था, फिर आधे किलो में आया, फिर 250 में आया, आज डेट में 200 ग्राम में आ गया है। आगे परिवार में हर सदस्य दूध पी रहे थे, आज चाय के लिए आता है, या हमारे घर में छोटा सा बच्चा उसके लिए आता है। माय डियर फ्रेंड्स हम अपने सपने को मार के आज जी रहे हैं, आज अगर जीना तो 1 लाख की मिनिमम इनकम की आवश्यकता है इन पीरियड, और आप देख रहे हैं हर 20 साल में 1 जीरो लगाए तो 2040 में 10 लाख की आ सकता है। अगर 20-30-40 हज़ार 10,000 रुपया 50,000 में आज परिवार चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर संकट पैदा हो सकती है। और मैं आपको बताऊं आज जो स्ट्रेस पैदा हो चुका है पूरे घर हर घर पे, आज हर घर जो स्ट्रेस है रीजन है पैसा, आर्थिक इनकम कम होना स्ट्रेस है, और मैं इस स्ट्रेस को खत्म करने जा रहा हूं, कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूं। तो व्हाट प्लानिंग नाउ इन फ्यूचर, आप क्या प्लानिंग करना चाहते हैं अभी के लिए और फ्यूचर के लिए, एक बार डिसाइड ले लीजिए। नो सिक्योरिटी इन लाइफ, मैं वर्क करता हूं, काम करता हूं, पैसा कमाता हूं और खर्चा करता हूं मार्केट में, और वो हमारा परिवार चलता है, लेकिन मेरे साथ 4 चीजें बीमारी है, बुढ़ापा है, एक्सीडेंट है, मृत्यु है, कुछ भी हो गया तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। इन दिस कंडीशन वी डोंट वर्क एंड डोंट मनी एंड सफरिंग माई फैमिली, मेरा परिवार सफर करेगा, तो बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, रॉयल्टी लूं आरसीएम में? यस, तो मुझे चीज समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड्स मैं इस अवस्था में क्या होते हैं 95% इंसान, आप देखो इस अवस्था में क्या करते हैं 95% इंसान, क्या बोलते हैं जब समस्या आती है, जब चुनौतियां आती है, क्या बोलती है? अरे यार ये तो वो भगवान के भरोसे बोलते हैं, बोलते हैं भगवान की मर्जी है, किसकी मर्जी है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान की मर्जी है। और 5% इंसान भगवान को शुक्रिया अदा करता है जब चुनौती आती है, बोलते यार थैंक यू परमात्मा मुझे चुनौतियों का सामने करने का मौका दिया, यानी कि मेरे जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी दी, जिस तरह मेरे मैडम बताई उनकी जब मम्मी एक्सपायर कर गई थी तो एक उनके पास भी चुनौती थी, तो 5% साथी उनको शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं थैंक यू मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ बनना है, कुछ कुछ करना है। जिसके अंदर ये चीज है, जो ये चीज करते हैं, क्योंकि जो भगवान पे विपरीत परिस्थिति में भगवान पे टाल नहीं देते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप हमारी स्थिति आज कहीं 95% वाली है तो 5% वाला माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, और 5% वाला माइंडसेट है कि चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आना और जाना किसके हाथ में, परमपिता परमात्मा के हाथ में, अल्लाह खुदा ईश्वर के हाथ में, कब हम आएंगे हमें पता नहीं था, कब हम जाएंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी को बनाना आबाद करना और बर्बाद करना, जिंदगी को बनाना आबाद करना या बर्बाद करना, ये दोनों हमारे हाथों पे है। माय डियर फ्रेंड्स दो हाथ परमात्मा ने दिए काम करके, इसको या तो हम अपनी जिंदगी को आबाद कर ले या तो इस जिंदगी को हम बर्बाद कर ले, लुटा दे इस लाइफ को, तो ये हमारे परमात्मा के हाथ पे है। अब आपसे जानना चाहूंगा आपके सपने के प्रति आपका विचार क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो ऐसी लाइफ स्टाइल आ जाए आपके पास में, आप सुरक्षित हो जाए, बढ़ती महंगाई से लड़ ले, तो आप चैट में डालो यस वाई,
और नहीं तो नो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 95% नो भी डालते हैं और 5% यस भी डालते हैं। और मुझे विश्वास है इस सिस्टम में नो डालने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर जितने भी डालेंगे यस डालेंगे। ये योद्धा है, आवाज है, सिपाही है और सारे सपने पूरे करने के लिए इस मंच पर बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मैं आप बताऊं इस बिजनेस में मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, सारे सपने को पूरा करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए आज से मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, क्योंकि काम तो ऑलरेडी मैं पहले भी कर रहा था, आज से मैं भी कर रहा हूं, तो क्या काम कर रहा हूं जिससे मुझे सफलता मिल सकती है और मिल रही है, मैं वो काम आपको बताना चाह रहा हूं। हाउ टू आर्ट्स बिजनेस, पहला वो काम है 6 इंपॉर्टेंट बेसिक्स, 6 महत्वपूर्ण काम जो मैं कर रहा हूं। पहला 100% प्रोडक्टिव डायमंड क्लब खुद करता हूं, सुपर डायमंड क्लब खुद करता हूं, मेरे परिवार में 2-2 डायमंड्स क्लब होते हैं। मैं प्रोडक्ट की शेयरिंग करता हूं, रिटेलिंग करता हूं, इन्फॉर्मेशन लेता हूं, गामा डिजाइन प्रोडक्ट क्या, किस तरह काम करता है, न्यूट्रिशन क्या काम कर सकता है, पेस्ट की हमारे पेस्ट क्वालिटी क्या है, हेल्थ कार्ड की क्वालिटी क्या है, तो मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ। और मुझे क्योंकि यही तो काम करना है, आगे बताना है, कि बताने के लिए मेरे पास ड्रीम लिस्ट भी है और नाम लिस्ट भी है जिनको मैं बताने वाला हूँ। वो नाम लिस्ट मेरे पास 500 की है, मैं कॉन्टेक्ट इन्वाइट करता हूँ पोलाइटली, मैं सबको बोलता हूँ, आगे से नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक शानदार सर्विस स्टार्ट किया है जिससे जिंदगी बन सकती है, पैसा आ सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, रुतवा मिल सकता है, आप आके एक बार चेक करो, समझ में आ गया तो साथ में करेंगे, नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्ती रिश्तेदारी पक्की है, टेंशन नहीं लेना है, बस आधे घंटे टेंशन में मुझे सुन लेना है। अगर आप सुन लिए, अगर अच्छा लगा तो साथ में है, बुरा भी लगा तो भी साथ में है, क्योंकि उसके बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो टाइम देते तो मैं उनको प्लान दिखाता हूँ सिंपली, देखो पैसा ला रहे हो, खर्चा कर रहे हो, जा रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहा है, पैसा खर्चा कर रहे हो, पैसा आ रहा है, ओरिजिनल प्रोडक्ट आ रहा है। आज के डेट में पैसा कमाना आसान है, स्वास्थ्य कमाना सबसे मुश्किल है। तो ऐसे मैं प्लान सॉल्व करता हूँ, फिर फॉलोअप करता हूँ, फिर उनकी ज्वाइनिंग करवा के, जो सचिन सर बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम, ज्वाइनिंग करवाना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्वाइनिंग करवा के स्टार्ट स्टार्टअप करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अब मेरा अपलायंस की जो टॉपिक से थ्रू से उसके माध्यम से मैं उनकी शुरुआत से शुरुआत करवाता हूँ। तो ये 6 काम मैं महत्वपूर्ण काम करता हूँ। ये आप जानते हैं प्लान इस तरह से होता है, कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से आता है और ये 50% में मिलता है, 50% बीच में चला जाता है, इनके माध्यम से, बीच के माध्यम से आता है, कंपनी के माध्यम से आता है, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चर नाम खराब करना नहीं चाहती है, हम कस्टमर नाम को सामान बनाना नहीं जानते, ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट पैसा देके डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेना कोई मतलब बहादुरी का काम नहीं है, कोई मतलब है ना वो जानकारी का काम नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, ओरिजिनल पैसा देते मेहनत कर कमा के मार्केट को और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आते हैं, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। आज से मैंने क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है WWP के माध्यम से और बीच का पैसा हमारे पास में आ जाता है। कुछ साथी बोलते सर आज से मिले तो आपका पैसा आपको लौटाती है, तो हम उनसे पूछते मार्केट से आपको कितना लौटाया, अरे यार बिचौलिए का पैसा अगर हमारे हमें लौटाया तो क्या मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए आपको, लेना चाहिए हाँ लेना चाहिए। 5 रुपए का कॉइन अगर नली किनारे पड़ जाता है तो हम इधर उधर ताकते हैं, उसको उठाते हैं, धोते हैं, जेब में रख लेते हैं 5 रुपया कॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, हम जिंदगी में कभी कैलकुलेशन ही नहीं करते हमारा कितना पैसा जा रहा है। एक परिवार का मिनिमम खर्चा 10,000 रुपया महीना, 50% 5,000 रुपया महीना जा रहा है, 12 महीने में 60,000 जा रहा है और 40 साल में आदमी खरीदारी करता है 24 लाख रुपया जा रहा है बिचौलिए के पास में, क्या देख, और 24 लाख रुपए में हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे सपने भी खत्म हो जा रहे हैं, हमारा समय खत्म हो जा रहा है, नकली सामान लेके स्वास्थ्य खत्म हो जा रहा है। अगर वो पैसा अगर आज से मेरे समय लौटा रही है, अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, तो निर्णय तो हमें लेना पड़ेगा कि हमें आज से मिनट का प्रोडक्ट लेना है ना मार्केट का प्रोडक्ट लेना है। सर 5% इंसान समझ जाते हैं सारे को और उसीलिए वो कामयाब हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं, ये कमीशन स्लैब है 10-32% परफॉर्मेंस 220,000 प्लस इनकम है। अभी नया प्लान अपडेट होगा 25 तारीख 9 बजे यानी कि परसों, डोंट मिस इट, कि किस तरह से और बड़ी कामयाबी आ सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पे हमारी कंपनी का यूट्यूब चैनल इनकेजुशन का आप जरूर अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्रोग्राम में जरूर आइए। रॉयल्टी इनकम 3-8% की, 20,000 से 50,000, 1-5% टेक्निकल इनकम, 50,000 से अनलिमिटेड पैसा आ सकता है। इस तरीके से सफर ग्रोथ होता है बिगनर से। आप अभी भास्कर जी बता रहे थे बिगनर स्टार्टर ऑपरेटर रनर विनर स्टार गोल्ड गोल्ड, इस तरीके से जब हम डायमंड तक पहुंचते तो 1,000 से लेकर 50 लाख रुपए महीने तक की सफर स्टार्ट हो जाता है, मिलता है महीने का। आप बताओ कौन सा बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने वाला, यहाँ से मिनट ऑलरेडी है। पास्ट और फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बताना चाहूंगा आपके सामने। ये देखो कुछ स्कीम चलती है, कुछ सही कंपनियां होती है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टीलेवल मार्केटिंग, जो सही मार्केटिंग होती है, पोंजी स्कीम, चेन मार्केटिंग एंड पिरामिड और मनी सर्कुलेशन जो होती है वो नेगेटिव मार्केटिंग होती है। नाम तो डायरेक्ट सेलिंग का होता है लेकिन नेगेटिव होते हैं। मैं आपसे बात करूं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। फ्यूचर हमारे देश में 136 करोड़ प्लस की आबादी है, यानी कि ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। यहाँ पर यंगेस्ट कंट्री है, सबसे युवा वर्ग हमारे बीच में मौजूद है, मोस्ट सोशल बाउंड हम लोग हैं, इसलिए बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन डायरेक्ट सेलिंग, आप समझ जाओ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो गवर्नमेंट भी सीरियस हो चुकी है कि उनको मालूम है, वो भी फॉरेन के, वो विदेशों के, वो फंडे को देख रहे, मार्केटिंग सिस्टम को देख रहे, एजुकेशन सिस्टम को देख रहे और उनको समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें गाइडलाइन बिजनेस का मिल चुका है, हम इस बिजनेस में बहुत अच्छी खुल के काम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट भी सीरियस है
और 54 जो मैं बता रहा था अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास में है जिनको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, हम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हम कर सकते हैं। देखिए आज हमारे घर पे पैसा आता है तो पहले पैसा नीचे बढ़ता है, यानी कि नीचे पैसे बढ़ने के बाद हमारे पास पैसा आता है। जिसके घर पे रोजगार नहीं था उसके घर पे रोजगार आता है, फिर हमारे घर पे रोजगार आता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। ये पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का डाटा है हमारे सामने में, कहां कहां कितने कितने अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है, हर जगह एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज ज्यादा है, हिंदुस्तान में सबसे कम है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और हमारे केपीएमजी का भी जो रिपोर्ट है 64,500 करोड़ का डाटा आने वाला है 2025 में, माय डियर फ्रेंड्स इससे भी पार होने वाला है। जिस तरीके से नेटो मार्केटिंग डाट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है और आरसीएम उसमें जो स्थान दखल कर रखी है, डाट सेलिंग फॉर एवरीवन क्यों चाहिए, रिस्क फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं तो रिस्क फ्री है, क्योंकि एक एजुकेशन लेने के लिए 20-22 साल 25 साल का तजुर्बा चाहिए, 10 साल अपने को एजुकेशन कंप्लीट करना है मैट्रिक तक, 5 साल का हायर एजुकेशन, 5 साल का डिप्लोमा, उसके बाद धक्के खाओ, 25 साल जिंदगी गवाओ, उसके बाद नौकरी मिल जाए तो ओके, नहीं तो प्राइवेट जॉब में जाना पड़ता है, रिस्क जिंदगी भर का रिस्क है, 25 साल का रिस्क है। अगर व्यापार में आओगे फिर भी रिस्क है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करो चल गया तो ओके, नहीं चला तो रोड पे। माय डियर फ्रेंड्स एक डॉक्टरी बनने के बाद तो सिक्योर नहीं है, अगर चेंबर अच्छी प्रैक्टिस चली गई तो ही चलेगा, नहीं तो रोड पे। एक वकील बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सबसे सफल वकील बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सच्ची चल गई तो अच्छे वकील, नहीं तो रोड पे। हो रहा है लाइफ में आज तो यहाँ पर कुछ लगता है, रिस्क फ्री बिजनेस सही है। सेकेंड इनकम टू पैसिव इनकम, हम रहे तो पैसा, नहीं रहे तो पैसा, हम हर तरह एक्टिव इनकम करता है, एक डॉक्टर एक्टिव इनकम करता है, एक वकील एक्टिव इनकम करता है, एक सीए एक्टिव इनकम करता है, एक नौकरी वाला एक्टिव इनकम करता है, एक दुकानदार एक्टिव इनकम करता है, एक टीचर भी एक्टिव इनकम करता है, क्योंकि जब तक जीवित है तब तक पैसा, जिस दिन जीवित नहीं उसका पैसा नहीं। कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, डॉक्टर बहुत सफल है, उसका सर्टिफिकेट से सफल है, जब वो दुनिया को छोड़कर जाएगा तो उसकी पत्नी उसके बच्चे उसके डॉक्टरी सर्टिफिकेट से रोजगार नहीं कर सकते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मुझे गर्व है इस बिजनेस पे कि मैं जिस बिजनेस को छोड़कर जाऊंगा, जहां से छोड़कर जाऊंगा मेरे परिवार वहां से बिजनेस को स्टार्ट करेगी, मुझे उनके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, बस नॉमिनी की आवश्यकता है, मेरे बाद मेरी नॉमिनी मेरे मैडम है। तो ये सेकंड एक्टिव इनकम है, नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, कहीं पर भी 25 साल का नॉन नॉलेज एक्सपीरियंस ले रहे हैं सर, बिजनेस करने के लिए कितना नॉलेज एक्सपीरियंस ले रहे हैं सर, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, हमारे अपलाइंस बैठे हुए हैं, सिस्टम बैठा हुआ है सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए। बताओ सर लाखों लाखों रुपए कमाने के लिए मैं जो पैसा कमा रहा हूं, मेरे अपलाइंस मुझे तैयार किए हैं सर, मेरे पास नेटो मार्किंग का मैं शुरू में बात किया, कोई एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन कुछ ही नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, बस बेचना आता था जो ट्रेडिशनल मार्केट में बेचता था, और एवरीवन सेल, हर आदमी सेल कर रहा है, बच्चा मुस्कान सेल करता है, सर्विस सैलरी लेने के लिए अपना योगदान सेल करता है, डॉक्टर अपने कैलिवर सेल करता है, वकील अपने एजुकेशन सेल करता है, टीचर अपने एजुकेशन सेल करता है, हर आदमी सेल कर रहा है, सेल करके पैसा कमाते सर, विदाउट सेल कमा नहीं सकते, बस मैं प्रोडक्ट सेल करता था। तो मैं बात करूं आपको हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट, हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, गर्व से मुझे कहना चाहिए मैं भारतवासी हूं और मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स हमारे टैक्स से हम जो इनकम करते हैं उसमें टैक्स जाता है और टैक्स से डेवलपमेंट होता है सर, और जो मैं बिजनेस में था ना उस बिजनेस में टैक्स की चोरी होती थी, क्योंकि वहां टैक्स दिखाने से बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा बहुत तकलीफ से नहीं दो नंबर तरीके से कमाया जाता था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल पैसा कमाते हैं और देश का विकास होता है। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री, अभी हम लोग धुरी में थे, चंडीगढ़ में थे और रिवार्ड, कल हमारे यहाँ फंक्शन हुआ, मैं यहाँ पर 125 साथियों का अरेंजमेंट किया था हॉल देखिए, लेकिन 170 साथी आ गए, रिवार्ड का जो फंक्शन था बहुत भव्य हुआ, बहुत मस्त हुआ, बहुत जोरदार हुआ। ये बिजनेस में हो सकता है, लाखों रुपए का नमक मसाला हम लोग जिंदगी में ट्रेडिशनल मार्केट में खाए, आज तक कोई रिवार्ड नहीं मिला है, एक ट्रॉफी तक नहीं मिली, एक चाय का प्याला कहीं नसीब हो जाता है लेकिन एक ट्रॉफी नहीं खिलाता है, कुछ भी नहीं कहा, कभी फूल का माला नहीं पहनाया, किसी को पहनाया क्या ट्रेडिशनल मार्केट में, दुकानदार के पास गए, आओ भाई साहब आप तो 5 साल से सामान खा रहे हो, लो फूल की माला, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए पीवी करने वाले को फूल माला की सम्मान, 2,500 वाले को, 5,000 पीवी वाले को पैसा, 100 रुपया कमा रहे उनको सम्मान, 5,000 कमा रहे सम्मान। सर मेरे पापा को 60 साल की उम्र में सम्मान मिला था, एक छाता एक कपड़े का वो और थोड़ी सी मिठाइयां, और बोले कैलाश जी आप आजाद हो गए यानी कि पापा की नौकरी की छुट्टी हो गई 60 साल में, रिटायरमेंट हो गए, आजाद हो गए। मैं जानना चाहूंगा क्या उससे पहले गुलाम थे? यस गुलाम थे, आजाद हो गए, और इस बिजनेस में आते ही हम आजाद हो जाते हैं, यहाँ पर मान सम्मान इसलिए मिलता है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो हमें इसको बिजनेस को सिखाता है, जर्नी टुवर्ड गुड ह्यूमन बींग्स, अच्छे जिंदगी जीने का मौका मिलता है, बहुत अच्छे दाम्पत्य जिंदगी जी सकते हैं। अगर कोई भी परिवार को अगर बहुत अच्छा बनाना है सर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद हैं पूरे परिवार को खाली बिजनेस में लेकर आ जाइए, पूरे परिवार को लेकर आ जाइए, एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है परिवार के अंदर पे। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस नेटवर्क एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हमारे इंश्योरेंस हमें एक इंश्योरेंस नजर आया सर, आप इंश्योरेंस ले लो। बोले सर इंश्योरेंस में क्या मिलता है? मरने के बाद पैसा मिलेगा, बस मेरे मरने के बाद घर में ना पैसा आएगा, देगी क्या आपकी कंपनी, और जहां से मैं छोड़ूंगा वो अपना पैसा आएगा। ये आरसीएम में होता है सर, इंश्योरेंस भी होता है, बॉडी का हो गया, मैं नहीं रहा तो पैसा मेरे जहां से हर महीना आएगा। बिजनेस ऑफ राइट योर ओन स्टोरी, मैं अपना अपना आज मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, अपना स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ,
मैं कपड़े में कहा स्टोरी क्रिएट करता था, जाता था भाई ले लो ले लो ले लो ले लो, क्या स्टोरी था, क्या स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ सर। लिविंग इन ग्रेट एसोसिएट, इतने अच्छे अच्छे एसोसिएट साथ में मिलने का मौका मिलता है, रहने का मौका मिलता है। हम लोग अभी गामा ऑर्गन के फंक्शन में थे तो वहाँ पर जंगल गर्ल हमारे बीच आई थी, गोल्ड मेडलिस्ट बबीता जी, तो उनके हाथों में सम्मान मिला। ग्रेट एसोसिएट के साथ रहने का मौका मिलता है, मेरे कपड़े के कारोबार में जिंदगी में नहीं मिलता मुझे, मेरे फादर को नहीं मिला, मेरे दादाजी को नहीं मिला, उसके दादाजी को भी शायद नहीं मिला होगा, लेकिन इस वजह से मुझे मिला ये ग्रेट एसोसिएट, लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच श्याम सर, सचिन सर, विकास सर, देवदत्त सर, लखन सर, पवन सर, फ्री कोच मिले मेरी जिंदगी में आगे मेरे को बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ाने के लिए लाइफ टाइम मिल जाते हैं। अनलिमिटेड पैकेज, घूमने फिरने का मौका, हम लोग पूरा घूमते, मजा आता है पूरे परिवार में, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग इस बिजनेस के कारण से। मैं बताऊं जो मेरी जिंदगी चाहत थी, जिंदगी को मस्त जीना परिवार के साथ में, इस बिजनेस से हो रहा है, अनलिमिटेड पैकेज मिलता है। और ये देखिए जितने सक्सेसफुल इंसान, बड़े बड़े इंसान है, वो बताते हैं, कोई रोड छाप इंसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े मिलियनेयर होते हैं, हमारे बाप दादा कोई भी खानदान में ऐसे नहीं आते, इनके पास इतना पैसा है, ये बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या और इसे क्यों करना चाहिए। एक आम से तुक्का सा आदमी आके बोलता है अरे ये बेकार की काम है, अरे वो बेकार का आदमी बेकार का काम समझा रहा है हमें, हाँ हम उनकी बात नहीं सुनते जो सकार है, जो सबसे से जिनके घर पे लाखों लाखों रुपए इनकम आ रही है, उनकी बात नहीं सुनते हम, बेकार आदमी की बात सुनते हैं। अरे बेकार बनना है क्या, तो बेकार की बात सुन लो, सक्सेस बनना है तो सक्सेसफुल इंसान की बात सुन लो, सचिन सर के, शाम सर की, विकास सर की बात सुन लो, देवदत्त सर की बात सुन लो, लखन सर की बात सुन लो, पवन सर की बात सुन लो, सक्सेस आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, और ये एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं अगर हम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर इसमें अपना योगदान नहीं दे रहे हैं तो हम अपने यंगेस्ट जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उस समय इस बात को कहते हैं, ये विजनरी व्यक्ति थे। आई आर से कुछ बातें मैं आपसे कर लूँ, वाई टू डू आर से बिजनेस, हमें आर से बिजनेस क्यों करना चाहिए, हेल्थ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, मैं आपसे पहले बताता था, आज के टाइम में पैसा कमाना आसान है लेकिन स्वास्थ्य कमाना मुश्किल है, यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, नो लॉस एट एट ऑल, कोई भी लॉस नहीं है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के सीख सकते हैं क्योंकि मीटिंग सेमिनार पे आना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे थे, खर्चा तो कर रहे थे, लेकिन इसको अगर हम एजुकेशन में खर्चा कर दें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, नो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, टाइम फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरशिप हमें मिल सकती है, हम माध्यम बन सकते हैं, पैसिव इनकम फॉर और फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम फेम एंड रिवार्ड्स, ये हमें मिलते हैं, इंडियन टूर एंड फॉरेन टूर्स मिलते हैं, आसिम से मिल रहा है सभी को, रिकॉग्निशन, बी एन ग्रेट पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आसिम से पहले मैं कभी नहीं बोलता था, मैं बैकग्राउंड में हुआ करता था, आज बैकग्राउंड के स्टेज के सामने आके बोलने की शक्ति अगर मिली तो आसिम से कहां से मिली है। बिल्ड न्यू रिलेशनशिप, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन मिल रहे हैं, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे नेटवर्क में जितने साथी हैं, मैं आपको बताऊं, कोई भी मेरे जान पहचान वाले नहीं, शिवशंकर यादव जी, संतोष जी, जितने मेरे जितने टीम से, किसी को मैं आगे नहीं जानता था, लेकिन एक रिलेशन अच्छा बन गया है। इनकम सिक्योरिटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हेल्प अदर, बिल्ड बिजनेस एंड फॉलो योर पैशंस, आर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, पर्सनलिटी डेवलपमेंट, हर वो चीज मिलती है इस बिजनेस में। वाई आर सी बिजनेस, बी योर ओन बॉस, खुद के बॉस से, जब चाहो सो, जब चाहो जागो, बिल्ड पार्ट टाइम, फुल टाइम, विथ करंट पोजिशन का, आप अगर नौकरी करते हो पार्ट टाइम में कर लो, नहीं करते फुल टाइम में कर लो, करंट पोजिशन के हिसाब से, एसोसिएशन विद ग्रेट पीपल्स, बहुत अच्छे अच्छे साथियों के साथ मिलने का मौका रहता है, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ में टाइम बहुत अच्छा मिला बिता पाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन सुबह जाता था, रात को घर आता था, परिवार कैसा जान नहीं पाता था, लेकिन बिजनेस परिवार क्या होता समझा दिया। बी ए सोशल पर्सन, लाइफ चेंज एजुकेशन, राइट योर ओन स्टोरी, फुलफिल योर ड्रीम्स ऑन लाइक बाइक लाइफ स्टाइल, एक अपनी जिंदगी जीने का मजा मिल जाता है इस के अंदर पे। हाउ टू डू आर बिजनेस, ये 21 मंत्र है, अगर आपने आर बिजनेस को करना है, इस से 7 रूल्स इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। हाउ टू आर बिजनेस, बी एन एडवाइजर ऑफ आर बिजनेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, गर्व से हम लोग एडवाइजर है, एडवाइजर देते हैं आर बिजनेस का। यू आर द रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव आर बिजनेस, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आर को ऐसे तैसे नहीं बोला सर, बहुत बड़ा बिजनेस है सर ये, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, दिस इज योर ओन बिजनेस, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ये व्यापार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं यार ये टीम की है, आपने की है, सिस्टम की है, किसी की है, नहीं नहीं ये अपना बिजनेस है, जिस तरह से हम अपना काम धंधा संभालते हैं, इस तरह से बिजनेस को भी हमें संभालना है, अपॉर्चुनिटी है। आपने यूज योर गाइड विथ योर पार्टनर, आपने हमारे पार्टनर होते गाइड करते कैसे चलना है, किधर चलना है, जैसे गूगल होते हैं ना, टाइप करते मुझे यहाँ जाना है, बताता राइट लेफ्ट 3 किलोमीटर गो अहेड, तो इस तरीके से हमारे अपलाइंस भी होते हैं मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यू आर द ब्रांड ऑफ आसिम बिजनेस, आप आसिम का ब्रांड हो। यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर, आप ग्रेटेस्ट लीडर हो, मैं ग्रेटेस्ट लीडर हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्यों करना है। यूज प्रॉपर एंड फॉर्मल ड्रेस कोड में रहें, गेन आसिम बिजनेस एंड प्रोडक्ट नॉलेज रहे, डू वन टू वन मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, वेबसाइट्स एप्स की एक्टिविटी सोशल मीडिया में एक्टिव रहे, ओपन डिस्प्ले वॉल विद डायमंड्स के साथ शुरुआत करें, क्लियर विजन रहे आसिम बिजनेस का, बी कोर डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर रहे हमें, मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट कमीशन बुक होना चाहिए, क्वालिटी टीम बुक होना चाहिए। यूज आसिम रिलेटेड यूट्यूब चैनल से, कल 25 का प्रोग्राम है 9 बजे आसिम के यूट्यूब चैनल में, ध्यान रखिएगा, मेंटेन डायरी एंड नोटबुक, बॉडी स्कैनर, ग्लूकोमीटर और पोस्टर्स, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, पीडीएफ, वर्चुअल मीटिंग विद जूम, गूगल मीट एक्सेट्रा,
और तीन ये काम जो आरसीएम में सफल बनाते हैं, फर्स्ट वन 100% प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोशन, सेकंड वन डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब, थर्ड वन बिल्ड एंड नेटवर्क। ये तीन काम हमें इसमें कामयाबी दिलाती है। आज अगर हम आरसीएम बिजनेस की इस तरह से इसमें इस तरह से काम करेंगे, रक्षा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आने वाला समय आरसीएम बिजनेस में फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, मजा लेने वाले, 5 साल की मेहनत, जिंदगी भर का आराम। माय डियर फ्रेंड्स, हाथ में आया हुआ पत्थर को, ये हीरे को पत्थर समझने की भूल मत कीजिए। बहुत से आदमी भूल समझ लेते हैं यार, पत्थर है, पत्थर नहीं है, हीरा है। पत्थर वाला काम मार्केट में हम कर रहे हैं, ये हीरा है हमारे पास में, बिजनेस का लगातार ग्रोथ हो रहा है। और ये डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब मेरा एप्पल का हो चुका है, अब आपकी कब से बड़ी पावर ऑफ डुप्लीकेशन, किस तरह से 1+1=2, एक साथी को डायमंड क्लब करवा लेते हैं हर महीना, और अगले महीना वो भी एक को कराए, हम भी एक को करवा ले, यानी कि एक एक दो 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 चार चार आठ 16 32 64 128 256 1024 2048 4096। और विनस करोड़ क्रिएट होता है 2 करोड़ का, किसके नीचे? आपके नीचे। किसके नीचे? आपके नीचे। 2 करोड़ का विनस क्रिएट होता है मार्केट में आपके नीचे में, और जिसका 1-2% भी मिले सर, तो 2-3 लाख 4 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। आप बताओ, नमक तेल मसाला जिंदगी भर खाए, पैसे को बर्बाद किए, आज खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बड़ा बिजनेस क्रिएट हो रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, 2-3 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी। ये 2-3 लाख तो हमें आता है कंपनी 2 करोड़ का 45% 90 लाख रुपया बांटती है, 90 लाख में 2-3 लाख रुपया आया, 87 लाख कहां गया, नीचे गया। जब नीचे वालों को पैसा आएगा, सामान खाना छोड़ेंगे नहीं, काम करना छोड़ेंगे नहीं, सुरक्षित जिंदगी रहेगी। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन सबने कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे मिल सकती है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को जो समझ गया वो लाइफ में कामयाब हो गया। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 1+1=2, 2+4, 4+4=8, ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बात करते हैं, ये मेरी छोटी सी इनकम 1,862 की बिजनेस में मिल रही है, और आपका डायमंड क्लब, डायमंड क्लब की पिन मिलती है 12 महीना लगातार करने के बाद 1 से 10 तारीख के अंदर, और हमें बिलोड़ा में रहने का मौका गालाडी में मिलता है, डबल करते हैं, सुपर डायमंड क्लब कपल का मिलता है, स्टार डायमंड करते हैं तो फॉरन सॉरी हिंदुस्तान के कोने पर ट्रिप्स मिलते हैं 2 दिन और 3 रात के, 3 दिन और 2 रात के बिलोड़ा में रहने का मौका मिलता है, एक्सक्लूसिव बैग मिलती है, क्राउन डायमंड 50 करते हैं तो फॉरन ट्रिप्स मिलती है के माध्यम से, और बिलोड़ा का मौका मिलता है, बैग सारे कुछ मिलते हैं, मिलते हैं। आज से मैंने इसके सफलता 1 लाख रुपए कमाने के सूत्र में आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े सपने होने चाहिए, जिसके पास बड़े सपने वो पैसा कमा सकते हैं, पैसे की भूख होनी चाहिए मेरे जैसे, जिसको पैसे की भूख हो सकती है वो कमा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य अगर है तो पैसा मजा आएगा। आरसीएम 100% इस्तेमाल करना है, अपने आईडी पे कम से कम डायमंड क्लब तो होना ही चाहिए, इतना तो करना है, सीखना है, सिखाना, और हर महीने में एक व्यक्ति को अपने से बनाना है। 5 सूत्र है इस बिजनेस में कामयाबी बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सॉरी 6 सूत्र, आखिरी महत्वपूर्ण बात, क्विक डिसीजन लेना, क्विक निर्णय, क्विक। आप लोग बंदर की कहानी सुने, क्विक डिसीजन लिया तो नारी बन गई, और बाद में डिसीजन लिया उन बंदर का, बंदर आ गया, मेल नहीं बच बैठा। तो इस बिजनेस में भी अगर क्विक डिसीजन लेते तुरंत कामयाब लेके की क्विक लिए आज ज्वाइनिंग करेंगे, और आप जिसके पास जाएंगे पहला ज्वाइनिंग आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन बाद में लिए आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके पास जाएंगे वो ऑलरेडी ज्वाइनिंग था, एक आदमी आपके हाथ में जा सकता है। तो क्विक डिसीजन, क्विक काम करो, सोचो मत कहां जाना है बाद में, आज करो कामयाबी के लिए। हमेशा बात रखना है, पहले अपने ये कामयाबी अपने दिमाग से नहीं मिलती, बहुत सारे आदमी अपने दिमाग से करते नहीं मिलती है, अगर इसमें कामयाबी लेना चाहे तो सिस्टम के दिमाग से काम करना पड़ेगा। जो आप प्लान बताते सिस्टम बताते रूल उससे करना पड़ेगा। 4 महत्वपूर्ण काम 100% मंजिल तक जाने के लिए, पहले खुद करें, खुद मरे बिना स्वर्ग पैदा नहीं मिलता है। सेकंड, फिर वो काम टीम से करवाएं, जो करते हैं वो डुप्लीकेट करवाएं। बच्चों दिन को महत्वपूर्ण समझे, बहुत सर समय कहां रहा, समय है, महत्वपूर्ण है। टारगेट को कभी भी छोटा मत कीजिए, हम कभी कभी लास्ट टारगेट छोटा करते नहीं, टारगेट छोटा मत कीजिए, अपने टारगेट पे भिड़े रहिए। पवन जी केडिया जी बोलते हैं, आसमान को छूने का प्रयास करो, जमीन को कभी भी जमीन कीचड़ में हाथ नहीं जाएगा, टारगेट को छोटा मत कीजिए। 5 महत्वपूर्ण कदम आरसीएम बिजनेस में सफलता और करोड़पति बनने के लिए, पहला सख्त मेहनत, 5 साल की मेहनत है, ऐसे बिना मेहनत का कहीं पर भी पैसा नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। 5 साल उम्मीद या भरोसा ना रखे, हम लोग उम्मीद हो जाते हैं, भरोसा रखते नहीं, उम्मीद भरोसा नहीं, खुद की उम्मीद खुद से भरोसा। कामयाबी के लिए माहौल पर रहिए, ऐसे माहौल पर आ जाइए, मीटिंग सेमिनार्स में आ जाइए, माहौल पर रहिए, सिस्टम में रहकर काम कीजिए, सिस्टम में आ जाइए, वहां करके काम कीजिए, आरसीएम को प्राथमिकता दीजिए। बहुत से आदमी आरसीएम को बाद में कहता है, घर पे साला आ गया है, साली आ गई है, मुझे आज ड्यूटी में जाना है, मुझे दुकान खोलना है, हर चीज में पहले प्राथमिकता तो पहला वहां मिल रहा है, अगर यहाँ पहला लेना है यहाँ प्राथमिकता देनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% इंसान होते हैं, 5% कामयाब होते हैं, 95% कामयाब नहीं होते, कारण क्या है मैं आपके बताऊंगा आपको आगे। और ये 95% से 5% इंसान आते हैं, लेकिन 5% में भी 5% कामयाब होते हैं, 95% नहीं होते। ये क्या मामला मुझे आज तक समझ में नहीं आया, 100% में 5% कामयाब, 95% कामयाब नहीं, लेकिन 5% में भी 5% कामयाब, 95% नहीं, क्योंकि आसम में सब आ जाते सब कामयाब क्यों नहीं होते, कारण क्या है माय डियर फ्रेंड्स। 5% पहले निर्णय लिए, चेंज करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आसम का प्रोडक्ट ले लिए, 95% जो अभी तक चेंज नहीं किए वही दुकान में सामान खरीद रहे हैं, लेकिन ये 5% में भी 5% कामयाब क्यों हो गए, चेंज किए, अकॉर्डिंग टू आरसीएम बिजनेस, अकॉर्डिंग टू सिस्टम वो ढल गए, 95% अभी भी ढले नहीं है, डोंट चेंज, और डोंट चेंज होके भी 5% वाली जिंदगी नहीं मिल सकती है। नेवर यू डोंट चेंज, नेवर डोंट गेट, यस इफ यू चेंज यू गेट, ध्यान रखना इस बात को। देखिए कि हमारे बचपन सिखाया था, हमारे परिवर्तन कितना हो रहा है, बचपन में पैदा हुए बुढ़ालियां चलते थे, बड़े हो गए लाठी तक आ गया, यानी कि जिंदगी में भी परिवर्तन है, और हम अपने लाइफ में इस बिजनेस में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं तो बड़ी सफलता कैसे ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, और एक बात बहुत आदमी सर मेरे पास समस्या बहुत है, तो एक दिन समझ लो, जो हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन आपके पास समस्या नहीं हो तो सुनिश्चित कर लीजिए आप गलत मार्ग में चल रहे हैं। इस बिजनेस में काम करेंगे तो चुनौतियां जरूर आएंगी,
और आप सही रास्ते में चल रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एवरी विल नॉट ज्वाइन विद आरसीएम मिनिस्टर, आपके साथ कोई भी सब आदमी आरसीएम ज्वाइन नहीं होंगे, इतना अच्छा मिनिस्टर होने पर आपको विचलित नहीं होना है। यू मेनी फ्रेंड्स विल से नो टू डू आरसीएम मिनिस्टर, आरसीएम नहीं करेंगे, बहुत से साथी ना बोलेंगे, कोई परवाह मत कीजिए, फैमिली भी नेगेटिव होगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा कभी कभी, लेकिन आप करते रहो, डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन एंड टीम, सेल्फ डेवलपमेंट खुद को करो, अपलाइन पे और टीम पे डिपेंड मत रहो, फेयर ऑफ टैक विद पीपल एंड शेयरिंग आरसीएम मिनिस्टर अपॉर्चुनिटी, आप बोलने का दर को निकाल दो और आरसीएम को अपॉर्चुनिटी बताना स्टार्ट कर दो। इट इज नॉट इजी बिजनेस, नीड सम एफर्ट्स लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, ये आसान इतना नहीं है, जिस तरह ट्रेडिशनल मार्केट में मुश्किल है यहाँ पर भी आएंगी, वो मुश्किल क्या है, अपने अंदर का जोश जो जगा के रख लिया वो कामयाब। पीपल विल हैव ऑब्जेक्शन, देखिए दिस इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिजनेस, ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना है कोई साथी, बहुत सारी बात मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत सी चीज है, मेरी टीम जानती है, मैं आपसे कभी और टाइम से बताऊंगा किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल की जाती है। कोई पूछता है सर आपसे पैसा आता है क्या, मैं बोलता हूँ आपके आपका ट्रेडिशनल मार्केट में आता है क्या, वो नहीं आता है लेकिन यहाँ पर आता है, बहुत सी है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम को मुझे देखना है। मेनी टाइम्स यू गेट अनवांटेड रिजल्ट इन आरसीएम, कभी कभी अनवांटेड रिजल्ट, बहुत मेहनत की कभी रिजल्ट कम आ सकता है, तो चेक काम की क्या चेक कर रहे हैं आप, कैसा कर रहे हैं। नॉट एवरी वन और एवरी कंपनी इज परफेक्ट, हर व्यक्ति और हर आदमी परफेक्ट नहीं है, डिजायर कैन बी हैपन, डिजायर कुछ भी कर सकता है, परफेक्ट बना सकता है। तो एक बहुत अच्छी कविता, ये मेरी मैडम कविता है लेकिन मैं आपको सामने रख रहा हूँ, देखा है हमने भी जिंदगी के करीब से बात भी नहीं बनती, सिर्फ नसीब से, नसीब से बात नहीं बनती है, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं, भरे पड़े हुए लोग इस संसार में बड़े पड़े हैं सर, 95% है, सांस ले रहे लेकिन उस पर जान नहीं है। करना है चमत्कार तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, आती जाती सांसों में जोश का बहाव लाना पड़ेगा, स्थिति अनुकूल हो या ना हो इरादों को तो मजबूत बनाना पड़ेगा। जय आरसीएम, पहले लॉयल बने फिर रॉयल बनेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। आई वेलकम वंस अगेन द ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे सहयोगी मिस्टर भास्कर यादव जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत पूरी टीम चैंपियन की ओर से आपको आभार, और बहुत ही शानदार आपने सेशन लिया, बताया कि किस प्रकार से आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आरसीएम में बड़ी कमी भी कैसे प्राप्त की जा सकती है। निश्चित तौर पे टीम चैंपियन की जितने भी सिपाही आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनके जिंदगी में एक नया ऊर्जा संचार हुआ होगा और उन्हें एक नई डायरेक्शन मिली होगी कि वो किस तरह से एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओके थैंक यू, सबसे पहले मैं चाहूंगा टीम चैंपियन की ओर से सीमा जी को और मुकेश जी को बहुत बहुत आभार और बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आज का सेशन लिया, और आज हमारे समय को, टाइम इज मनी बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू मनी, राइट। सो फ्रेंड्स, आज उन्होंने बताया कि टाइम को कैसे मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कि आप वेस्ट बंगाल से हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर लाइव सुन पा रहे हैं। तो साथियों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज हमारे बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर पीआर साहू सर भी हैं, तो मैं अगर सर अगर कंफर्टेबल होंगे तो मैं जरूर आपको इन्वाइट करना चाहूंगा, प्लीज। भास्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी हम सब लोग उदयपुर के ट्रिप पे हैं और ये हमारे सभी साथी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी मुकेश सर ने बताया कि किस तरह से इस बिजनेस के अंदर में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मान सम्मान सिक्योरिटी दौलत सुहत ये सारी चीजें मिलती है। अभी अप्रैल महीना पूरा एंजॉयमेंट का चल रहा है, 6 तारीख को हम तुलसी पेंट नांदेड़ में गए हुए थे, फिर अभी जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि अभी गामा का प्रोग्राम था धूरी चंडीगढ़ में, बहुत शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम, और अभी हम सब लोग उदयपुर में हैं। और जब ट्रिप की बात आती है और किसी भी जब होटल में हम ठहरते हैं तो ये हम लोग बिल्कुल स्विमिंग पूल के सामने में ही है, और ये होटल आप सभी देख पा रहे होंगे, ये होटल है जिसमें हम सभी लोग रुके हुए हैं। तो आरसीएम बिजनेस में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अभी मुकेश जी ने जितने सारी चीजें बताई वो सब कुछ हमें मिलता है, और मुकेश जी ने कहा कि एक डिसीजन की बात होती है, जब हम चुनाव करते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, या इसमें कोई सक्सेस पहले से हुआ है कि नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कोई जॉब कर रहा होता है, हमारे आसपास में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता है, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले व्यक्ति को हम देख करके हम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में, हर स्टेट में एक ऐसे सक्सेसफुल आरसीएम का बंदा आपको मिलेगा जिसको देख करके आप निर्णय ले सकते हैं। जब हमने शुरुआत की, हमारे अप्लाई ने शुरुआत की तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज बहुत सब कुछ है। थैंक यू सो मच भास्कर जी, और आज मुकेश अग्रवाल जी की फैमिली और मैडम का स्पीच और ये फैमिली मीट था बहुत शानदार रहा, और आज मुकेश अग्रवाल जी के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जिसके माध्यम से हम सक्सेस हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश अग्रवाल जी को, साथ में सीमा अग्रवाल मैडम को, और एक शानदार होस्टिंग के लिए मेरे टीम के शानदार एक वन ऑफ द बेस्ट लीडर है भास्कर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ट्रिप। थैंक यू सो मच। ओके, हमारे बीच में जो टेक्निकल शिवर से प्लीज अपना हैंड रेस करें ताकि फिर मैं तुरंत क्विक शेयरिंग लेने के बाद में आज की मीटिंग में प्रेस करूंगा। देवदत्त जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज गो अहेड।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर तुम सपनों की उड़ान भरते रहो तो एक दिन वे सच हो जाएंगी, और यही किया है मुकेश अग्रवाल जी और सीमा अग्रवाल जी ने। जिस तरह से उन्होंने अपने सपनों के बारे में यहाँ शेयरिंग की है, उन्होंने ये बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब आप आते हैं तो तभी सफल हो सकते हैं जब आपके सपने होते हैं और आपके सपनों पर जान होती है, और तभी आप काम कर पाते हैं। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा, यूनिक प्रेजेंटेशन रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। धन्यवाद, ओवर टू आसर सर। थैंक यू सो मच सर। देवदत्त जी थैंक यू। यस दुष्यंत जी थैंक यू सो मच सर, और डेफिनेटली आपकी होस्टिंग काफी शानदार रही है सर, और आज का प्रोग्राम सर मुकेश अग्रवाल जी का पीपीटी के माध्यम से शानदार तरीके से सर पॉइंट टू पॉइंट सर ने बातचीत किया, और बिल्कुल सर इसके ऊपर पूरी टीम खरा उतरेगी और शानदार तरीके से काम चल रहा है, तो थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू। यस संतोष जी। जी जय हरसिम। जय हरसिम। माई सेल्फ संतोष कुंभकर, टाटा नगर से, फाउंडर पर्ल। और नो डाउट सर आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत जबरदस्त रहा, और मुझे गर्व है कि मुकेश सर मेरे अपलाइन है, उनके सानिध्य में बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज सर का जो प्रेजेंटेशन रहा और सीमा मैडम का, नो डाउट गजब का था, और जैसे लग रहा था कि कोई शेर दहाड़ रहा हो। और मुझे गर्व है कि मैं सर के टीम से हूँ और सर का सानिध्य हमें मिलता है, और लास्ट महीना मेरा भी पर्ल टेक्निकल में इन किया हूँ, और आशा करता हूँ कि सर के मार्गदर्शन से मैं बहुत बड़ा बड़े लेवल तक पहुंचूंगा, ऐसी मेरी आशा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस शिवशंकर जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिजिटल मंच में आमंत्रण देने के लिए, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं सर कि मुकेश अग्रवाल जैसे गुरुदेव हैं मेरे, और जैसा कि आज का प्रोग्राम सर का बहुत ही शानदार और बहुत लाजवाब रहा सर, और मैडम ने भी जिस मार्मिकता और भावुकता के साथ इस बिजनेस की गहराई हम सभी के बीच में रखी, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है सर। और मैंने शुरुआत से ही मैम को देख रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जिस तरह से उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं और इस बिजनेस के महत्व को आज उन्होंने बताया कि किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस बिजनेस को समझ करके और आज सर का साथ देना शुरू किया, और लगातार हम लोगों को भी उनका ये आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम सभी मतलब मुकेश सर के सानिध्य में बिजनेस को सीखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया लग रहा सर। और आज पहली बार आपसे भी मुखातिब होने का मेरे को मौका मिला, तो बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके टीम चैंपियन के सारे सिपाही, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे टेक्निकल अचीवर जो हमारे गुरु हैं, जो हमेशा और हर पद पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि किस प्रकार से इस बिजनेस में सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कामयाबी प्राप्त करना चाहिए, मैं आप सभी से चाहूंगा कि हमारे सभी गुरु टेक्निकल अचीवर सर मुकेश जी और सीमा जी को थैंक यू कहें इस मंच पर, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप सभी लगातार ट्यून रहे सर। साथियों, जिस प्रकार से एरोप्लेन रडार में रहता है तो वह उसकी गति और दिशा निर्धारित हो पाती है, उसी प्रकार से आप भी टीम चैंपियन के साथ कनेक्टेड रहें। हम पर डे 7 PM को हमारा 7 AM मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है, कनेक्टेड रहें, अलाइन रहें, और तभी आप बड़ी कामयाबी की ओर जा पाएंगे। तो आप सभी की परमिशन के साथ आज यस थैंक यू, यस चैट बॉक्स में थैंक यू करके आप अपने आभार व्यक्त कर सकते हैं मुकेश जी और सीमा जी को, और मैं पूरी टीम चैंपियन की ओर से मुकेश जी सीमा जी को फिर से आभार देता हूं कि इतना शानदार उन्होंने सेशन लिया, और निश्चित तौर पर ये एक नई कामयाबी की दिशा और दशा को तय करेगी। थैंक यू सो मच। तो मुकेश जी आप लास्ट वर्ड्स आपके कुछ हो तो अदरवाइज फिर मैं आपकी परमिशन से आज क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी और एसटीसी का धन्यवाद कि आज इस मंच पे हमें बोलने का मौका मिला, और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्रेट बिजनेस है, और आज का जो हमारा कमिटमेंट देख रहे हैं और क्वालिटी देख रहे हैं, ये बिजनेस की देन है और एसटीसी की देन है। मैं अपने एसटीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी होस्टिंग बहुत सादा और आप बहुत ग्रेट पर्सनलिटी है, और प्यार साहू जी बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। ओके फ्रेंड्स, जय आरसीएम, और जैसे जानते हैं कि टीम चैंपियन का जस्ट ठीक है किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को उत्साह को शो करते हैं। आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट। आई एम ए चैंपियन, आई कैन डू इट। आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट।